का स्वागत है प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज के चैनल पे। मैं आपके साथ रिजवान खान। आज हमारे इंस्टीट्यूट के एक छात्र हैं जिन्होंने जर्नलिज्म क्वालिफाई किया। मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपना नाम, अपना कोर्सेज, उन्होंने प्लाज्मा को ही क्यों चुना, प्लाज्मा में कब आए, उन्हें क्या फ़ायदा मिला, कितने बच्चों का हुआ, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताएँ लोगों को। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं बिहार से हूँ और मैं जब दिल्ली आया तो मैंने कितने बच्चे से पता किया कि मैं जामिया मास मीडिया एंट्रेंस के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर होगा। बहुत पता करने के बाद दो तीन आदमी बताया कि सबसे बेटर प्लाज्मा होंगे, तो यहाँ आया, सर से बात की, सर बोले डेमो करके देख लो। पहले दिन से सर का क्लास हमें पसंद आया, उसके बाद पहले दिन से सर का क्लास पसंद आया। और बिहार के बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगे, जो बिहार के बच्चे जो समझते हैं जामिया बहुत टफ है ना, कैसे तैयारी करें, क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है, अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे बिहार के बच्चों के प्लाज्मा के बारे में? नहीं, वो इंग्लिश तो हमारी भी कमज़ोर है, लेकिन इंग्लिश हमारी कमज़ोर है, लेकिन यहाँ प्लाज्मा में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगे और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सर की मेहनत और आपकी मेहनत दोनों काम आएंगे। आपको वाकई लगता है कि प्लाज्मा में आकर आपको सीखा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना करने के साथ साथ और कुछ भी आपको मिला, अगर आप कुछ कहना चाहें, आपको डिफरेंट क्या लगता है, आप जामिया में जाके कैसा लग रहा है? जामिया तो है हर बच्चे का सपना था, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ो। और इस बच्चे का सपना था जामिया जाना और माशाल्लाह ये जामिया जा चुके हैं। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोगों को ये बता सके कि अगर आप मेहनत करेंगे, आप जो चीज़ चाहेंगे वो मिल सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव विद अकरम।